ओके गाइस, सो PS5 लॉन्च हो चुका है और भी कई सारी अमेजिंग न्यूज है आज के एपिसोड 6 ऑफ TTS टेक न्यूज के। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड वेलकम टू द एपिसोड 6 ऑफ TTS टेक न्यूज। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, एक बात पूछनी थी आप लोगों से। आप लोगों को TTS टेक न्यूज पसंद आ रही है या नहीं? मतलब कोई ऐसा रिस्पॉन्स ही नहीं है यार आप लोगों की तरफ से, ना व्यूज़ आ रहे ना लाइक्स आ रहे। कोई भी मतलब जितने भी TTS टेक न्यूज, अभी एक भी वीडियो को 6 एपिसोड होने जा रहा है आज, एक भी वीडियो को अभी तक के 500 लाइक्स नहीं पहुँचा है। मतलब क्या हो रहा है यार, अभी मेरे को बहुत ही अजीब ही लग रहा है। मतलब कहीं मेरी आइडेंटिटी, जो मेरा ट्रू रिव्यूअर आइडेंटिटी है कि आई एम द रिव्यूअर, आई रिव्यू प्रोडक्ट्स, वो आइडेंटिटी चेंज ना हो जाए, फिर लोग मुझे मतलब न्यूज़ वाला बंदा देखने लग जाए, तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि टेक न्यूज़ बंद कर दूँ। व्हाट शुड आई डू गाइस? आप लोग प्लीज़ मेरे को गाइड करो कमेंट्स में, मेरे को बताओ मैं क्या करूँ। मैं टेक न्यूज़ बंद करूँ या फिर टेक न्यूज़ के लिए एक सेपरेट चैनल खोल दूँ, जिधर पर मैं TTS टेक न्यूज़ नाम का सेपरेट चैनल रहेगा, जिधर पर मैं टेक न्यूज़ डालूंगा, या तो फिर इधर ही कंटिन्यू करूँ। प्लीज़ प्लीज़ डू लेट मी नो। अपना 2 मिनट निकाल के मेरे को कमेंट में बता दो ना क्या मैं करूँ, आप लोगों को क्या लगता है क्या करना सही रहेगा। सो या आई नीड योर हेल्प गाइस प्लीज़। उसके बाद अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले अपनी अदर कैटेगरीज, दैट इज कूल और साइफाई, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, जो सोनी है उसने अपना PlayStation 5 रिवील कर दिया है, और बाय गॉड क्या दिखता है यार, बहुत ही गजब, मतलब सेक्सी। ऐसा कॉन्सेप्ट कोई इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ आने वाला है। इट लुक्स वेरी अमेजिंग, और 2 वेरियंट है, मतलब एक CD के साथ में, एक विदाउट CD है, मतलब प्योर SSD ऑनलाइन गेम डाउनलोडिंग वगैरह वाला है। वाह यार, बहुत सही लग रहा है और बहुत पावरफुल भी है सुनने में आया। सो लेट्स सी, देखते हैं अगर कुछ चांस बना तो, मतलब अभी टाइम है, नवंबर तक क्या आएगा लॉन्च, मतलब बिकेगा, तो लेट्स सी अगर कुछ चांस बना, आप लोगों का डिमांड रहा तो इंशाल्लाह आई विल बाय दैट। और गाइस, उस PS5 के साथ में बहुत सारे हाई क्वालिटी के गेम्स भी सोनी ने रिवील किया है। और बाय द वे बात बता दूँ, उसके साथ हमें एक हेडफोन भी मिलेगा, मतलब उसके साथ नहीं, मतलब सोनी ने रिवील किया एक हेडफोन, एक मतलब उनका डुअल सेंस जो जॉयस्टिक है वो, और उसके बाद हमें एक रिमोट भी मिलता है, एक वेबकैम भी है। सो पूरा एक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है गेमिंग का। लेट्स सी, देखते कैसा जाने वाला है। बस प्राइस बहुत ज़्यादा ना हो, 60-70-80 हज़ार ना पहुंचा देवे, नहीं तो फिर पब्लिक को लेने में बहुत दिक्कत होने वाली है। ये थी गाइस अदर स्लैश कूल न्यूज़। अभी हम लोग बढ़ते हैं स्मार्टफोन की न्यूज़ पे, यहाँ पे भी काफ़ी सारी न्यूज़ है। सो पहली न्यूज़ ये आ रही है, मतलब पहला एक लीक है, मोटोरोला का फ्यूजन करके, मोटोरोला 1 फ्यूजन करके एक स्मार्टफोन आने वाला है, जो स्नैपड्रैगन 730G के साथ में आने वाला है। मेन पार्ट ये नहीं है, मेन पार्ट ये है कि इसकी प्राइस रूमर्ड है कि अंडर 20,000 होने वाली है, प्लस इसके अंदर पॉपअप सेल्फी कैमरा होने वाला है। और गाइस, आपको पता ही है कि मोटोरोला का जो OS है, जो उसका मेन क्या बोलते हैं उसका सॉफ्टवेयर है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है व्हेन वी कंपेयर टू रियलमी UI और MIUI। सो लेट्स सी, अगर ये प्राइस में 730G के साथ में आता है और पॉपअप कैमरा है, या तो फिर AMOLED डिस्प्ले वगैरह ले आया, तो माँ की आँख मचा डालेगा। मतलब मोटोरोला विल गोइंग टू बी बैक इन द बिजनेस, लेट्स सी। अभी मेरे को तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट प्रोडक्ट। लेट्स सी, आने दो, फिर देखते हैं। अगर आप लोगों की डिमांड रही तो मैं डेफिनेटली वो भी मंगाऊंगा। उसके बाद अगर गाइस बात करूँ तो एंड्रॉयड 11 जो है उसका बीटा, जो बीटा 1 है वो रोल आउट हो चुका है बहुत सारे डिवाइसेस के लिए। वन प्लस ने सबसे पहले दे दिया, बोला लो इन्जॉय करो। रियलमी ने भी अपने X50 Pro के लिए, पोको ने भी F2 Pro के लिए, और बहुत सारे डिवाइसेस ने बोला कि हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे, आप भी इन्जॉय करना। अभी डेट धीरे धीरे आएगी सब फोनों के लिए। उसके बाद गाइस पोको का एक और अपडेट है, पोको M2 शायद आने वाला है, M2 Pro, मतलब समझ रहे हो, पोको X2 आया, अभी पोको M भी आ रहा है, तो पोको करना क्या चाह रहा है, बहुत सारा फ़ोन निकाल के क्या फ़ायदा यार। मुझे तो लगता है ना पर्सनली कि अगर फ्लैगशिप किलर बनाना है तो एक फ़ोन निकालो या दो फ़ोन निकालो, लाइक OnePlus। अभी OnePlus भी बहुत सारा मतलब वराइटीज़ लेके आ रहा है, मतलब मेरे को मज़ा नहीं आता यार। एक दो फ़ोन निकालो ना साल में, 2 फ़ोन इज़ मोर देन इनफ। What do you guys think? Do let me know in the comments. उसके बाद गाइस हम लोग गैजेट्स की बात करते हैं। गैजेट्स की न्यूज़ में अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले तो पोको का पॉप बर्ड्स भी शायद से आने वाला, जो TWS है पोको का, और रियलमी का भी एक
TWS आने वाला है, जो Realme Buds Air Neo है वो तो ही है, और Realme Buds Air भी है जो आईफोन की कॉपी है, बट इन लोग एक और डेडिकेटेड बर्ड्स निकालने वाले जो Realme Buds Q के नाम से शायद आने वाला है। ये वाले जो हैं MI के Air Dots या फिर Earbuds S जो भी आप कह लो, इनको टक्कर देने के लिए वो कुछ निकालने वाला है 2000 के अंदर ही TWS MI मतलब Realme के। लेट्स सी, देखते हैं। ये तो काफ़ी अच्छे, मैंने अभी रिसेंटली इनको अनबॉक्स किया, इसकी अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो भी आने वाली है। सो या पीसी वर्ल्ड में देर इज नो न्यूज़, आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम आपको पीसी वर्ल्ड की न्यूज़ मिल जाएगी। गाइस अपने चैनल पर एक गिव अवे भी चल रहा है, जैसे आप लोगों को पता ही है 50,000 हिट करने की खुशी में हमने एक गिव अवे अनाउंस किया था, बट उसका वीडियो का लाइक का टारगेट था 1,000 लाइक, अभी तक के वो 1,000 लाइक पूरा नहीं हुआ। अगर आपको जितना एक्साइटिंग गिफ्ट तो इधर पे वीडियो है, जाकर चेकआउट करो, आप लोग जीत सकते हो एक्साइटिंग गिफ्ट। सो बस गाइस इतना ही बोलना था मुझे इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग की हेल्पफुल थी, अगर हेल्पफुल थी तो लाइक दबा दो, शेयर भी कर दो, ताकि फ्यूचर में इसी तरीके की अमेजिंग क्वालिटी की टेक वीडियोस वो शेयर करने से नहीं मतलब सब्सक्राइब करने से होंगी और मिलेंगी बेसिकली। सो या सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर देना ताकि अपने फ्रेंड्स को भी मानना पड़े। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।